अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आज मैं टॉप बना रही हूँ। ये मैंने अभी आपको फरमाइश बताती हूँ, ये सेंटर से कट कर रही हूँ। ये देखें, आप इधर से देखें, ये देखें, ये 20 इंच है। इसकी यूँ समझ लें चौड़ाई जो है ना 20 इंच है। और ये मैं अभी आपको गिन के बताती हूँ, ये 13 इंच लंबाई है। ओके, अब हम इसमें थोड़ी सी पट्टी डालेंगे। ये 13 इंच है, हम इसको 15 इंच 4 इंच की ऊपर चार या पाँच इंच की हम पट्टी डाल लेते हैं। सही है, ऐसे। ये तो पूरी नहीं आएगी, आ जाएगी पूरी, ऐसे हम देख लेते हैं भाई। हाँ, आ ही जाएगी कुछ। सही है, हाँ जी, ऐसे ही डाल लेते हैं 4 इंच। ठीक है, ये हमने अभी मैं आपके सामने करती हूँ। 5 इंच है ये, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच ऊपर से चला जाएगा, बाकी 4 इंच रह जाएगा। सही है, ये हो रही इसकी पट्टी। अभी सी के उसके साथ तो मैं जी, अब ये मैंने पीस जोड़ लिया है। अब ये देखिए, अब ये थोड़ा सा कम था पीस, मैंने कहा ये कटिंग में ले लूँगी, इतना पीस मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। और ये देखिए, मैंने नीचे से ये 2 इंच नीचे वाला कपड़ा, नीचे वाले कपड़े के हिसाब से मैं ऊपर तक ले जाऊंगी, क्योंकि ये तो कम है। आपने यही समझना है कि ये 2 इंच ही लिया है मैंने, क्योंकि नीचे से पूरा है और नीचे से मैंने 2 इंच लेके जहाँ से जोड़ लगाया है ऊपर तक सीधी सिलाई ले गई। अब इसको ऐसे लेके जाऊंगी। सही है, और ये इसके बाजू भी बनेंगे इसके। अब ये देख रही हूँ मैं बाजू कैसे बनते हैं। ये आगे, ये मुझे कितना लेना है, 7 इंच ले सकती हूँ, 7 इंच। ये पीछे गया, ये साथ। पहले मैं इसकी कटिंग कर लूं। सही है, ऊपर से थोड़ा ज्यादा है तो फिर मैं ये कर लेती हूँ, फोल्ड भी तो होगा ना ऐसे। हाँ सही है, चलो जी। अब ये मैंने लिया है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबाई इतनी होगी बस, जितना कपड़ा है ना इसमें, ये ही समझे आप लंबाई है। अब ये देखिए, ये मैंने ये ठीक, अब ये थोड़ी सही है, ये बाजू आ गया।
ये ऐसे लगेगी, ऊपर से मैं ये कट करूँगी। ठीक है, अब ये मैंने यूं करना है ऐसे, और ये बाजू मैंने पहले ये सीने, ये देखें ये इसके साथ ऐसे। ओके, अब ये अभी मशीन से आपको दिखा रही हूँ। जनाब ये कंप्लीट हो गया है, और बेबी पहनेगा तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा। अभी मैं बस दोपहर का टाइम है, अकेली बैठ के सी रही हूँ, सब अपने रूम में सो रहे हैं। हाँ तो चलो जी, सही है। अच्छा जी, आप मुझे याद रखना दुआओं में, आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको भी खुश और आबाद रखे, सदा हंसता मुस्कराता रखे, अपनी फैमिली के साथ और अपने बड़ों की दुआओं के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।